मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार हर लीला के पहले बोल दिया करिए, कृष्ण कन्हैया कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ जी। अलग अलग करते थे उसके लिए उत्सव मनाती थी। देखिए अपना चाव है, कोई दिन बर्थडे मनाते हैं पर कोई दिन ये किया। सबसे पहला उत्सव मनाया ठाकुर जी ने करवट बदली, उसका नाम है अंग परिवर्तन उत्सव। क्या अंग परिवर्तन? मतलब 3 महीने का बच्चा जब करवट बदलता है तो करवट बनाने का भी उत्सव मनाया गया। कदाचित उत्थानिकम कौतुका प्लवे जन्मक्षर योगे समवेत योषताम वदित्र गीत द्विज मंत्र वाचके रचार चकार सूनो रमिशे च नमसति। एक बार बालकृष्ण के करवट बदलने का उत्सव मनाया गया। रोहिणी नक्षत्र भी था, बहुत सी गोपियां पधारी, मैया यशोदा ने प्रभु का अभिषेक किया। अभिषेक किया, उत्सव भी मनाने के लिए तैयार हुई। लेकिन क्या होता है, अपने जब उत्सव कुछ मनाते हैं टाबर को तैयार कर करके एक किनारे रख देते हैं और फिर अपने उत्सव में ना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रहा। तो मैं लाला एक जगह सोया था तो उधर उनका वो शकट पड़ा हुआ था, तो वहाँ लाला के का जो झूला था, जो पालना था, उसके नीचे रख दिया। उत्सव का अर्थ ये नहीं है कि लोगों को बुला के नचाया, भोजन पानी कराइए, नहीं। बोले हर उत्सव में हमारे इधर ईश्वर का प्राकट्य, उत मतलब ईश्वर, सर सव मतलब प्राकट्य, हम हर समय इनको देखते देखते अपने अंदर प्राकट्य उत्सव मनावे। वहां से जब शक्तासुर के शकट के नीचे छकड़े में जो छकड़ा था वो किनारे कर देते। देखिए अपने भी घर में छोटे छोटे कमरे होते हैं तो अपने जो फर्नीचर होता है उसको किनारे कर देते हैं। लोग आने वाले हैं भैया जरा किनारे कर दो, तो शकट पे उनके दूध दही इनकी मटकियाँ छकड़े पर पड़े हुए थे और वो छकड़े के नीचे जगह थी, तो ठाकुर जी का पालना उसके नीचे रख दिया कि ठाकुर जी सोए हुए हैं, यहाँ पे सब सखियाँ आएंगी उनको देखेंगे। तो कन्हैया को सुला दिया। दूध दही मक्खन ये सब भोग पदार्थ, ऊपर कौन था भोग पदार्थ और नीचे कौन था भगवान। यहीं से समझ लीजिए कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा लक्ष्य कृष्ण, पर जब कोई आने वाला होता है भाई कृष्ण को झूलो अठिन किनारों कर दो सवेरे होगी पूजा, किनारे कर देते हैं ना कि भाई जगह हो जाए थोड़ी सी कमरे में। वैसे ही कृष्ण हमारे, उन्होंने यशोदा मैया ने उधर किनारे रख दिया और गोपियों का सम्मान करने में भूल गई कि लाला का चकड़े के नीचे लाला का पालना रखा हुआ था। वह हाथ पांव हिलाते हुए रोने लग गया और रोते रोते उसी गाड़ी पर का भाई शक्तासुर बैठा हुआ था। लाला ने जोर से गाड़ी को पैर से लात लगाई और लात लगाते ही कृष्ण सोच लिया कि ये कंस की कठपुतली मामा ने मेरे को सुबह सुबह भेज दी है। जोर से लगाए, गाड़ी उलट गई, दूध दही के आदि सब जमीन पर बिखर गया और शक्तासुर गाड़ी के नीचे आकर दब गया। बोलो कृष्ण कन्हैया। ये जो शक्तासुर की मृत्यु हुई, दूध दही गिरे, तब जाके यशोदा मैया को, अरे काम है ओ आदमी, ठाकुर जी को तो ऊपर से पूतना को निकाल दिया, उसके बाद लोगों को लगता है काब है। इस प्रसंग में भी रहस्य है।
हम अपनी संसार की गाड़ी के नीचे भगवान को रख देंगे तो भगवान भी वापस गाड़ी को उल्टा देंगे। मुख्य वस्तु गाड़ी के ऊपर रखनी चाहिए, गौण वस्तु गाड़ी के नीचे रखनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम की गाड़ी है पति पत्नी के लिए, और हमेशा अपनी पति पत्नी की गाड़ी के बीच में ऊपर कौन रहना चाहिए? श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यही प्रार्थना करना चाहिए कि वो सारथी बने और सन्मार्ग पर ले जाए कृष्ण कन्हैया को ला करके, और बहुत हाथ से सबने उनका पलना लाया और बोले कृष्ण को भूख लगी होगी, और आगे लेकर के जा करके मैया ने स्तनपान कराया। उसी समय गोदी में लेके उन्हें रोते रोते, मैया बड़ा नाटक करते थे कन्हैया, बार बार रोते बहुत थे। आजकल तो देखो यशोदा मैया ने तो फुलाया, आजकल तो क्या है कि वाइफ हस्बैंड को बोल देती है मैं बाहर जा रही हूँ, जरा बच्चा रोएगा तो आप संभाल लेना। तो एक दिन बच्चा रोने लग गया, कई लोगों को कथा में नहीं जाना होता है तो बहुत प्रकार के उनके पास बहाने रहते हैं, आज मेरे ये काम, और काम कुछ नहीं बताते हैं, आज आप आए नहीं, अभी देखिए इन्होंने कह दिया 2-3 दिन मेरे को बहुत काम हो गया। मैंने क्या काम की लिस्ट ली है कि कितना कितना काम हो गया? बस काम हो गया, काम हो गया इसलिए हम नहीं आए। अरे काम, क्या काम हो गया? कामना वाला काम हो गया कि दूसरा काम हो गया कि क्या काम हो गया? वैसे ही एक दिन रविवार के दिन, एक रोज कथा में जाता था एक बेचारा आदमी, तो जाने लगा तो उसका पुत्र रोने लगा। पत्नी ने कहा बच्चा रो रहा है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, मैं अकेली कहाँ तक संभालूंगी, आप थोड़ी देर पकड़िए, सारे टाइम मैं लेती हूँ, बच्चा आपका कहलाता है। आजकल कहती हैं लेडीज, बच्चा आपका कहलाता है, नाम आपका मिलता है, और मैं अकेली पकड़ूँ, अकेली देखूँ? तो इसको रोता हुआ छोड़कर कथा में जाओगे तो कौन सा पुण्य कमा लोगे? देखो किसी को कष्ट देते हुए नहीं जाना चाहिए। गृहस्थ ने सोचा देखो जरा सा काम होते ही सबसे पहले कथा छूटती, क्या छूटता है? कथा छूटती। अरे सच्ची बात है, किसी के दिल को दुखा करके कथा सुन के भी मैं क्या कमा लूंगा? तुरंत कथा में जाऊंगा तो मेरी पत्नी को दुख होगा, इसलिए पत्नी को लेकर के कथा में जाने की बात छोड़ दी। ये हमारे सबकी कहानी है, हम कहीं जाते हैं तो हम जाने के पहले ठाकुर जी के कार्य को सबसे पीछे रखते हैं। यही शक्तासुर की कहानी है कि सबसे पीछे सबसे नीचे किसका काम। और ये मेरे को इसलिए याद है कि स्वामी जी महाराज यहाँ आते थे तो पूछा करते थे कितनी बजे से कितनी बजे सत्संग रखियो जावे? तो लुगाया कहती महाराज जी दिन में मत रखो, दिन में माँ के सबेरे सबेरे रसोई करना पड़ा जी को, मैं को नहीं रख सका। तो संध्या को रखो महाराज जी, शाम को मत रखिए, हमारी सारी ऑफिस का टाइम रहता है, इसलिए 6 बजे तक तो सत्संग मत रखिए। तो महाराज जी सबकी तरफ देखने लगे, और 7 बजे से रखने का समय आया कि पुरुष वर्ग 7 बजे आ जाएगा। लुगाए के महाराज जी 7 बजे मुट्यार सब घर आ जावा, मैंने रसोई बनानी पड़े, मेकअप रखा। तो महाराज जी ऐसे खड़े होके ऐसे पूछे सबसे फालतू समय सबके पास कौन सा है? उस समय सत्संग रखा। सबसे फालतू समय कौन सा है? सबसे फालतू समय में सत्संग रख लेते हैं। अरे सबसे उत्तम समय में सत्संग रखना चाहिए। ये बीती घटना और मेरे आंखों देखी घटना सुना रही हूँ। मैं बोलती महाराज जी कितनी समय इस समय सत्संग नहीं करना चाहिए? बोले अरे सत्संग से समझ आएगी, और समझ आएगी तो आपके गृहस्थाश्रम की गाड़ी, आपके व्यापार की गाड़ी, आपकी सब गाड़ी में सत्संग हेल्प करेगा। लेकिन हम तो सत्संग को सबसे फालतू समझते हैं कि नहीं? बोलिए, नहीं समझते? आज नहीं समझते, घर जाके देखिएगा। अब आगे ये शक्तासुर की कथा लेकर के हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारी भी संसार की गाड़ी के ऊपर प्रभु रहे। अब छोटी सी एक और लीला आती है, तृणाव्रत व्रत का प्रसंग। तृणाव्रत बवंडर के रूप में आया और श्री कृष्ण का हरण करके आकाश में लेट चला, अपना वजन बढ़ा दिया। जब तृणाव्रत भयंकर के रूप में आने लगा, यशोदा जी ने हाथ में लेके रखा था, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और बहुत भारी कर दिया। तो यशोदा मैया को ऐसे लगने लगा वजन बहुत हो गया, तो नीचे रखा, तब तक वो बवंडर के साथ में कृष्ण
ऊपर चढ़ गए और उन्होंने जाकर के तृणाव्रत का कर दिया। सदैव एक ही वस्तु होती है कि भगवान तृणाव्रत जीवम आवर्यति से तृणाव्रत, रजोगुण का चक्कर लेकर के तृणाव्रत का तूफान हमारे पर रात और दिन आता है और इसको मारेगा कौन? तो जब श्री कृष्ण भगवान की याद होगी तो तृणाव्रत मरेगा। बोलो कृष्ण कर लाल के रे। यशोदा की आंखों में धूल ही जागी से। आगे बड़ा हुआ कृष्ण आकर के इसके बाद नामकरण संस्कार के लिए गर्गाचार्य ऋषि आए और गर्गाचार्य ऋषि आने के पहले उन्होंने कहा कि मैं वसुदेव जी के घर का पुरोहित हूँ, किसी को पता लग जाएगा तो किसी एकांत जगह। नामकरण संस्कार में भी वो बड़ा लोगों को बुलाने वाले थे लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं एकांत में करूँगा तो गौशाला के पास एकांत जगह में जगह जगह आई तो वहाँ पर उन्होंने गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार में गर्गाचार्य ने कहा एक काम किया, रोहिणी जी ने अपनी गोदी में कृष्ण को ले लिया और कृष्ण और रोहिणी जी की गोदी में कृष्ण और यशोदा की गोदी में बलराम लेके बैठे कि देखें गर्गाचार्य जी समझते हैं कि नहीं समझते देखें। तो गर्गाचार्य जी ने बैठते ही कहा अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते नाम बलाधिक्यात बलम विदु यदु नाम प्रतिभावत संकर्षण मुशंतुचे। यह रोहिणी का जो पुत्र है, यशोदा की गोदी में रोहिणी का पुत्र है इसलिए इसका नाम रोहिण्य होगा। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों का अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा लेकिन इसका एक नाम, क्योंकि ये बल में विशिष्ट है इसलिए इसका नाम बलराम भी होगा। इसको लोग संकर्षण भी कहेंगे। और फिर रोहिणी के जो गोदी में थे आसन वर्षास्त्र घृणे तू नुयगम तनु शुक्लो रक्तस्तता पीत इदानी कृष्णतागत। यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, पिछले युगों में भी इसने क्रमशः श्वेत रक्त और पीत ये तीन विभिन्न रंगों में इसने आया है, अब के ये कृष्ण वर्ण हुआ है इसलिए इसका नाम कृष्ण रखा गया। इसके अनेकानेक नाम होंगे, वासुदेव का पुत्र तो वसुदेव, नंद का पुत्र तो नंदलाला, ऐसे करके इसके अनेकानेक नाम होंगे। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। ये गर्गाचार्य जी ने नाम तो रख दिया, फिर उसके बाद उनके मन में आई यशोदा जी को लगा कि आए हैं महाराज जी तो देखो इनको थोड़ा सा तो अंदर ले लें, अंदर ले करके और भोजन। बोले नहीं जी मैं तो स्वयं पाकी हूँ। गर्गाचार्य जी ने क्या कहा? मैं स्वयं पाकी हूँ, मैं खुद बनाता हूँ स्वयं पाकी में। तो उनको ला करके दिया, उनको फिर खीर बना करके दी और खीर बना करके गर्गाचार्य जी बैठे और तो दिए मस्त गोविंद तुभ्यमेव सर्वे गृहाण सर्वको। अब लाला को तो लीला करनी, आकर के बोले गर्गाचार्य जी की तरफ आकर के और ज्यों ही उनके तरफ गए और जो लड्डू सामने रखा था भोग का वो सारा का सारा गपान गप। बोलो कृष्ण कन्हैया लाला। गर्गाचार्य जी उठे, अरे 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 तेरे लाला ने देख मेरी खीर झूठी कर दी, फिर से बनाई और उसके बाद आगे फिर दे करके जब देने लगे तब फिर लाला ने उसकी झूठी कर दी। लाला ने कहा अब मैं इस ब्राह्मण को हैरान नहीं करूँगा और आ करके और दूसरी बार उसके बाद जाते उनको दिखाया सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। बार बार स्नान करते हुए ब्राह्मण को न खराब देके हे नारायण हे लक्ष्मीपति। जब खीर ठंडी गुजरान ने गंगा गर्गाचार्य ने तुलसी दल बिखरा कर भगवान की स्तुति आरंभ की तब हे लक्ष्मीपति हे वैकुंठपति खीर आरोगी है। तब कन्हैया कहने लगा मैं ही लक्ष्मीपति हूँ वैकुंठपति हूँ। गर्गाचार्य के लिए ओम नमो नारायण। कन्हैया कहता था महाराज आँखें बंद रखना,
गर्गाचार्य जी के आंखें क्यों बंद रखना, अरे मेरी मैया आ जाएंगी वो पता लग जाएगा कि मैं ही स्वयं नारायण हूँ, आप आंखें बंद करो, उनको लगेगा कि आप नारायण को जमाए रहे हो, आप आंखें बंद करो। कन्हैया कहता बंद रखो, गर्गाचार्य जी ने 12 माला फेरी तब तक आकर रखे, उनको लगे कि मैं दर्शन करूँ, उनके चरणारविंद में रह गए और या लकटी अर कामर या पर राजति ही पुरको तज डारो, आठों सिद्ध नवो निधिको सुख नंद की गाय चराए बिसारो। ये श्री कृष्ण के रूप माधुरी दिव्य और जो ही लाला यशोदा में कह के कहता, छोटी छोटी लीला है तो जो अब कौन सा उत्सव आएगा, अब बहुत अच्छी लीला मुझे लगती है वो उत्सव है घुटने चंगने की, उसको कहते रिंगण लीला, अंग परिवर्तन हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, अब रिंगण लीला, रिंगण मतलब लाला थोड़ा थोड़ा तो अब आप अंदर से भीतर से दर्शन करिए, थोड़ा थोड़ा तो घुटने चलता है फिर बैठ जाता है, फिर कोई चीज को पकड़ के खड़ा होता है अब गिर जाता है फिर बैठ जाता है, ऐसा होता है कि नहीं जब बच्चा चलता है तो। लाला की भी यही, रिंगण केल कुले जननी सुखकारी, ब्रज दृश्य सुकृत सुफर दो अवतारी, वलिए तो बाल्य विलास जय बल वलित हरे, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुग्ध विदित किए, चारु कपोल लोल लोचन छवि गोरोचन को तिलक दिए, लट लटकन मनोमत्त मधुपगन मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ ब्रज। ये देखिए ठाकुर जी के कैसा श्रृंगार है, श्रृंगार का वर्णन करने का कि ये मोर पंख है और लाल के ऐसे है और गले में कठुला है और हाथ में ऐसा श्रृंगार देख करके नवनीरसरी अंग को नचा नचा कर घुटरू चलते हुए घूम रहे हैं, प्रांगण में बड़भागी धूलिकणों से श्यामल अंग परिशोभित है, जो वो चलने लगे त्यों ही छम 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 पायलिया बजाई, छम 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 पायल बजती थी जो चलने लगते, बाजी रे लला की पैंजनिया बा, ललक पैजनिया बाजी रे, ललक पैजनिया झूम 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 छना ना 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 ना, झूम 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 छना ना 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 ना, बाजी रे ललक पैजनिया बाजी रे, घुटने चल रहे बार बार खड़े होते यशोमती लग, यशुमती ललन को चलन फिखावती, यशुमती ललन को चलन फिखावती, अंगूरी पकड़ दो जनिया बाजी रे, लला की पैजनिया बाजी रे, लला की पैजनिया बाजी रे, लला की पैजनिया, पीत जगुलिया तन पहरावे, पीत जगुलिया तन पहरावे, टोपी लगावे लटकनिया बाजी रे, लला की पैजनिया बाजी रे, चुम 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 चना बाजी रे, लला की पैजनिया बाजी रे, लला की पैजनिया, नंद बाबा को बाबा कहते हैं, नंद बाबा को बाबा कहते हैं, तीन लोक के धनिया बाजी रे, लला की पैजनिया बाजी रे, लला की पैजनिया, चुम 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 चना ना 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 ना, चुम 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 चना ना 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 ना, बाजी रे लला की पैजनिया बाजी रे, लला की शिव ब्रह्मा या को पार न पावे, शिव ब्रह्मा या को पार न पावे, ओ शिव ब्रह्मा या को पार न पाए, शिव ब्रह्मा या को पार न पाए, ताहि न चावे ग्वालनिया हो, ताहि न चावे ग्वालनिया,
chum 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 cha na 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 baji re bala ki pe janiya baji re bala ki pe janiya baji re bala ki pe janiya haath mein navneet liye nav neeraj sri ang richaon ka ye varnan main वहां से सुना रही हूँ जो गोपाल चंपू और वृंदावन चंपू का वर्णन है। मुझे अति पसंद है रेंगण लीला। नचा नचा कर घुटरुओं से चल रहे हैं प्रांगण में बड़ भागी कितने धूलिकण शोभित है। चलते चलते जो ही घुटनों चलते चलते हाथ उठने को करें तो वहां पे मणिखंभ था ऐसा प्रतीत हो रहा था। वहां में देख के अपनों ही रूप देख के उसी पर रीझ गए उसी पर रीझ गए और रीझते 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 उसके ऊपर मोहित हो गए। ये कौन है या ते कैसे बात करूं। फिर वो ऐसे ऐसे हाथ करें तो हाथ को जो वो कंगन पहनाया हुआ था वह कंगन हिरन को तो वाकी पूरी की पूरी शोभा इधर से उधर हो रही है। ऐसे लगे जैसे श्याम सुंदर को भ्रमर के जैसे रूप है और चारों तरफ मधु पी पी करके मधुमक्खियां मंडरा रही हैं। कमनीय कंठ में कठुला शोभा पा रहा है। एक और इस छवि के दर्शन करने का आनंद। देखो लाल जी का कभी दर्शन करो ना उनके श्री अंग का दर्शन किया करें। हम लोग क्या करते हैं हम लोग दर्शन करते हैं तो श्रृंगार का दर्शन करते हैं। कैसा मुकुट है कैसा कठुला है कैसे अंग में पहनी है। नहीं लाल जी का श्री अंग इतना सुंदर है कहते हैं मतलब श्रृंगार ही रूप का श्रृंगार देते हैं। जब ठाकुर जी धारण कर लेते हैं तो वो श्रृंगार का वैभव बढ़ जाता है। थोड़ी देर घुटनों चले फिर नूपुर की झुन छम छुम 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 छनन वो देखे कहाँ से आवाज आ रही। देखो लाला का तो पतो ना आए कि रुंझुन रुंझुन जो पहनाई है मैया ने वाकी आवाज आ रही है। ध्वनि से फिर चकित हो जाए फिर बैठ जाए फिर आगे को चले फिर छुम 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 छनन। सोचने लगे कि रुंझुन शब्द होता है। फिर अपना थोड़ी देर में मुख कमल देखे देखो कैसे कितने बड़े ठाकुर जी वो एक एक लीला का आनंद ले रहे हैं क्योंकि वहां पे बाल लीला कर रहे हैं तो उन्होंने जरा भी होने नहीं दिया कि मैं भगवान हूं। उन्होंने उसी प्रकार लीला का आनंद लिया जिस प्रकार से एक बच्चा करता है। उन्हें वो सारे समृद्ध होकर के परिभ्रमित होकर के उनको देखना था कि इसमें क्या आनंद आता है। बार बार देखें कभी उसमें से वो लाला दिखे तो वहां को पकड़ने के लिए जाएं फिर सिर पर हाथ रखे तो वो लाला भी सिर पर हाथ रखे अरे फिर प्रतिबिंब चले हो जाए। ये गोलोक बिहारी की जब यहां से रिंगण लीला शुरू हुई तो प्रतिक्षण बढ़ने लगे। आगे जाते जाते गोवत्स वहां गोशाला के पास थोड़े थोड़े घुटरू चलते चलते जो ही घुटरू चलने का समाचार सबको मालूम पड़ा और छुम 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 चनन हुआ जो ही सारे गोष्ठ में आनंद होने लग गया कि लाला घुटने चलने लग गए। लेकिन यहाँ क्या हुआ बाल कृष्ण लाल घुटनों पे बैठे थे और घुटनों पे बैठे बैठे यहाँ पे देखे कोई आके कहे जो ही आगे के लिए जाने लगे तो पीछे से किसी गोपी ने उठाए लियो क्योंकि सबको ऐसा लगे कि लाला मेरी ओर देखे सबको ऐसा लगे लाला मेरी ओर देखे। लाला तो प्रतिबिंब देख रहे थे वो आते आते वाने देखी अरे आज तो नीलमणि बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरी आंखें अतृप्त हुए जा रही हैं। तब तो दूसरी कह मोकू दे दे लाला को अरे ये तो घुटरों चलने लग गया। अपनी भावनाएं थी सब अपनी अपनी भाव से रूपों का रूप देख रहे थे। फिर उनको मर्जी आया कि अब थोड़ा थोड़ा समझने लग गया बोले तो ना आए पर पूछे अरे लाला तेरी आंखें कहाँ हैं झट आग करके बता ये आंखें। छोटा होता तो अपन पूछते हैं ना तो क्वनन क्वक्रैनम क्वक्नासिका तप श्रुति कचशिकेति केलिता तत्र तत्र निहंता गुलिदलो वल्लवी कुलमनयंत प्रभु तेरा नाक कहाँ है झट उसकी अंगली नाक पे चली जाए। ये कैसे आनंद ले रही हैं इसलिए ये लीला सुनाई है कि आप ठाकुर से बात करते हुए इतनी लीला का आनंद हम सब ले सकते हैं और रसिकों ने लिया है इसलिए उनके अंदर में रस की लहर हमेशा दौड़ती है।
कल अपनी आंखों को नन्नी नन्नी बूंद करके कमल बता रहे, चटपट कानों को छू करके अपना कान बताते हैं, हिलाने लगते हैं सिर कि मुको पतो है, फिर देखेंगे बोल सके कि ना है ब्रज लीला में, तो बोलने के लिए गए, लाला बोल ला 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 ला, और वो ला तो निकले नहीं, आ आ आ, आ, आ। ल तो जल्दी से आता नहीं है कि जीभ बोल के आता है, वो स्वर आया नहीं, आ आ करने लगा, फिर ते में लाला आगे की ओर गए, जो ही सखी ने छोड़ा तो एक गौशाला में बछड़ा की संभाल कर रहे थे नंद बाबा, तो वो बा बा करके आगे जाने लगे, और दोनों भाई घुटने चल के आगे गए, आम की छाया के नीचे कुछ बछड़े आराम कर रहे थे। अब आप सब कल्पना करिए नेत्र मूंद के कि एक आम की छाया, वहां पे बछड़े का सुकोमल नई नई पूंछ देखी, अभी तक तो रिंगन देख रहे थे कि वो खंब में देख रहे थे, अब पूंछ, बछड़ा बैठा था तो पीछे से क्या दिखा, पूंछ दिखी, तो वो पूंछ को देख करके आश्चर्यचकित होकर बोले कि ये तो कोई झुंझुनिया भी नहीं है, कुछ नहीं, वो पूंछ को पकड़ ली नहीं। अब जो ही लाला ने पूंछ पकड़ी, इधर से पूंछ पकड़ी और उधर से गैया को, बछड़ा डर गया, आप किसी को पकड़िए, वो उठ करके दौड़ने लगा, हम्मा, वो आगे की ओर दौड़े, और लाला को लगे मैं गिर जाऊंगा, तो लाला अपना पूंछ पकड़ करके अम्मा मैया बाबा, वो अपना रोवे और वो अपने रोवे आगे चल रहे, दोनों भाई बछड़ों के साथ घिसकते हुए आगे चल रहे, सोचिए कैसा लग रहा होगा। अब गायें जिस बछड़े के अपनी माँ के पास आगे की ओर जा रही हैं, वो खुश हो रहे हैं कि हमें लाला के दर्शन, हम तो अंदर नहीं जा सकते थे, आज यहाँ आकर के हमें लाला के दर्शन हो रहे हैं, दोनों भाई खींचे हुए चले जा रहे हैं, इधर से नंद बाबा है, माँ 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 माँ, वो करे हम्मा 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 हम्मा, दोनों बछड़े और लाला दोनों माँ माँ कर रहे हैं, दाऊ और नीलमणि माँ माँ बाबा के पुकारते रहे, अचिंत शक्ति जो श्री कृष्ण ब्रह्मांड पति आज माँ माँ पुकार रहे हैं, सोचिए क्या हाल है। ते में नंद रानी और नंद राय आप पहुंचे, दाऊ पूछ छोड़ दे पूछ छोड़ दे पूछ छोड़ दे, अरे कोई बच्चे को कोई छोड़ दे तो कोई छोड़ देगा, नहीं छोड़ सके, दोनों हाथों से और पकड़ करके पकड़ ली कि मैं कहाँ चलाऊं और तो मेरे को कोई पकड़ने वाला है नहीं, आए करके जबरदस्ती वहां से पूछ छुड़ाई, और दोनों भाई जो पूछ पकड़ के चल रहे थे भाग रहे थे, कुछ दूर पीछते खींचते खींचते चले गए, और पूछ छूट जाती, यंगना दर्शनीय कुमार लीला वंतर व्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छै वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणो प्रेक्षन्त उज्जित गृहाजरिशूर्हस। कल्पना नहीं कर सकती है ऊपर बैठी हुई कमला लक्ष्मी, कल्पना नहीं कर सकती है कि एक ब्रह्मांड पति त्रिभुवन पति इतनी बाल लीला करते हुए इतना सुख दे रहे हैं सबको कि कोई हिसाब नहीं है। सब गोपियाँ आई जल्दी जल्दी पकड़ा, बोले मैया तेरा ध्यान नहीं रहता है, कहाँ को ध्यान था तेरा जो तू यहाँ तक रह गई। लाला ने फिर लाला को बाबा ने गोदी लिया, बोले मैं तेरे को देऊंगा ही नहीं, तू ध्यान नहीं रखती है, लाला घुटने चलने लग गया। अब इसके बाद अपनी लीला आती है, बोल कृष्ण कन्हैया लाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद। गोपियाँ आती बार बार उनके दर्शन करने की इच्छा करती। लाला अपनी उस गोपी को अपनी छोटी छोटी बाहों में भर लेता। गोपियाँ उसको लाड़ लड़ाती। कोई गोपी का घर में मन नहीं लगता था। कन्हैया जो देखे या गोपी के मेरे से मिलने की इच्छा, पट्ट उनकी जाके साड़ी खिंचा दे। एक दिना माखन खाने की इच्छा बहुत ज्यादा लाला को पसंद हो तो माखन को भोग लगावे और कहे, लाला तेरे को इतो माखन प्रिय है, मैं तेरे लिए रोज निकास करूंगी। और लाला को बैठाए के पलना में और झुलाते हुए बाकी आंगन माँ को माखन खिलाए रही है। देखो गोपियां बैठी है और ये मैया खुद बैठी है और माखन खिलाए। हे गिरधर गोपाल लाल तू आजा मेरे आंगना, माखन में फिरी थाने जिमाऊं और झुलाऊं पालना। हे गिरधर गोपाल लाल तू आजा मेरे आंगना, माखन में फिरी थाने जिमाऊं और झुलाऊं पालना। माखन में फिरी थाने सकता हूँ आगे मर्जी तेरी है, मैं तो अर्जी कर सकता हूँ आगे मर्जी तेरी है। आना हो तो आ मनमोहन, देर करे क्यों देरी है। आना हो तो आ मनमोहन, देर करे क्यों देरी है। मुरली की आतान सुना जा, मुरली की आतान सुना जा, चाल न टेढ़ी चालना, माखन में फिरी थाने जमाऊं और झुलाऊं पालना। माखन में फिरी थाने जमाऊं और झुलाऊं पालना। हे गिरधर गोपाल लाल तू आजा मेरे आंगना, माखन में फिरी थाने जिमाऊं और झुलाऊं पालना। जल से कलश भरो है, चंदन दर्पण कंघा है। गंगा जल से कलश भरो है, चंदन दर्पण कंघा है। वस्त्र पहनाओ रंग बिरंगे, वन भावन और चंगा है। वस्त्र पहनाओ रंग बिरंगे, वन भावन और चंगा है। खिलन ने तन दो खिलौने, खिलन ने तन दो खिलौने। आना हो तो आवना, माखन मिश्री थाने जमाऊं और झुलाऊं पालना। माखन मिश्री थाने जमाऊं और झुलाऊं पालना। हे गिरधर गोपाल लाल तू आजा मेरे आंगना, हे गिरधर गोपाल लाल तू आजा मेरे आंगना, माखन मिश्री थाने जिमाऊं और झुलाऊं पालना। माखन मिश्री थाने जिमाऊं और झुलाऊं पालना। We'll be right back.
धन्ना भगत ने तुझे बुलाया रूख को खाया तो धन्ना भगत ने तुझे बुलाया रूख को खाया तो कर्मा बाई लाई के चिड़ो रुच रुच भोग लगाया तो कर्मा बाई लाई के चिड़ो रुच रुच भोग लगाया तो मेरे मेर क्यों रूप के बैठो मेरे मेर क्यों रूप के बैठो भाई न मेरी भावना माखन मिश्री थने जिमा और झुलाऊ पालना माखन मिश्री थने जिमा और झुलाऊ पालना हे गिरधर को पाल लाल तू आजा मोरे आंगना माखन मिश्री थने जिमा और झुलाऊ पालना माखन मिश्री थने लाल की गोपी जो सभी इंद्रियों से श्री कृष्ण को पिए हुए वो गोपी और आज सारी लीलाएं गोपियों से संबंधित है। हम सब यहां जो बैठे हैं वो सब गोपी बन जाए सारी इंद्रियां उसके लिए लगा दें उनको तो ऐसा लगे अरे लगाने की दरकार नहीं है अपने को अपनी अपनी इंद्रियों को दूसरी जगह से हटाए दो खींच वो लेगा। जब माखन मिश्री लगाए तो माखन को अर्थ समझिए मन रूपी माखन कृष्ण चार माधुरी है एक छोड़ो तो एक पकड़ लेगा एक छोड़ो तो एक पकड़ लेगा एक छोड़ो तो एक नाम रूप लीला गुण धाम रूप माधुरी लीला माधुरी वेणु माधुरी प्रिया माधुरी कोई भी रूप में अधरम मधुरम मेरे तो मन में मैं कथा सच कह रही हूं मैं बोलने की इच्छा कर रही हूँ पर इतने पद हैं कि उन पदों ही गान करते करते आदमी रीझ जाता है मधुरम मधुरम ले तो आगे माखन चोरी लीला गोकुल में गोपियों को जब चलने लग गए तो गोपियों को छेड़ते छेड़ते वाके मन में ऐसी आती कि गोपियों के मन में था कि हमारे पास कब आए गोलाला तो एक नववधु आई वो कन्हैया के दर्शन के लिए बड़ी आतुर हुई किंतु इसको सास वाते जाने नहीं रहे रास्ते में श्री कृष्ण को चिंतन कर रही थी कैसे उसके बाल हैं कैसे उसके होठ हैं कैसे उसके मोर पंख हैं। देखो अब हम दर्शन करें ना ऐसे टूटे ना कोई एक चीज पकड़ लिया करो कहते हैं जब जमुना किनारे ठाकुर जी जाते थे तो सखियां जाती थी तो पूछा जाता था आज तेने श्री कृष्ण को दर्शन करियो अरे का बताऊं मैं तो मोर पंख तक दर्शन करने गई आगे को तो मैंने दर्शन ही ना करो मैं तो मोर पंख पे अटक गई अरे का बताऊं मैं चरणों में नूपुर को देखती भाई रह गई वहां ते ठाकुर चले हुई गया मैंने तो दर्शन ही ना करो अरे तूने मुखारविंद को दर्शन ना करो अरे का बताऊं पीतांबर की छोर ऐसी थपक रही थी ऐसी फर रही थी मेरा मन तो वाम ही अटक गया मैंने तो दर्शन ना करी ऐसे एक जगह में क्यों कल भी आपको बताया गया परसों भी कि जैसे करंट एक पानी में लग जाता है बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि वृंदावन में ये जो निधि वन है सेवा कुंज है वहाँ पे इतना क्यों बताया जाता है कि इस रज में क्या है। मैंने कहा भैया आपने कभी ऐसा करो एक तालाब भर लो और वहाँ में है ना एक करंट डाल दो और फिर वो पानी को छुओ देखें सगरी हो जाए पानी सारो पानी करंट से भर जाए तो जा वृंदावन में पद रज लेके वेणु लेके लीलाएं सब लाल ने वहां ते गुजरी है तो क्या पूरा वृंदावन करंटमय नहीं होगा जो चिन्मय महाप्रभु वहां चिन्मय होकर के लीला करें तो सारी ब्रजरज चिन्मय हो जाती है। वो चिन्मय को आप कहें कि वहां पे भोग न लगाए अरे चैतन्य महाप्रभु आए तो वहां आकर के साष्टांग दंडवत करके
अंदर घुसने के पहले कहा कि जहां मेरे ठाकुर ने चरण रखे हैं वहां मेरे को सिर रखने की जरूरत है, मैं चरणों से नहीं चल सकता। चैतन्य महाप्रभु का मैं उन चरणों रख के वहां पर मैं चरण कैसे रखूं, उनके चरणों में तो मेरा माथा टेकना चाहिए। इमली तला के पास जाके बैठ गए थे। कोई ब्रह्मांड घाट जाता है तो वहीं पर रह जाता है। गोपियां चलती थी, सबके मन में रहता कि लाला मेरी तरफ देखे, लाला मेरी तरफ आए। तो जो देखते लाला को तो अंदर से समझ जाता, तो गोपी जो आए तो पीछे से उसका घघरा और चाली पकड़ ले, तो छोटे से तो थे पकड़ ले। गोपी ने देखा 3-4 बरस का कन्हैया हाथ पकड़ के चल रहा, तुरंत तो उसको बाहों में भर ले। लाला मैंने तो तेरे को गोदी ले ली, तू मेरे को बाहों में भर। देखो हमें, हम किसी को पकड़े और कोई हमको पकड़े, दोनों में भाव में अंतर है कि नहीं? मैं आपको पकड़ूं और आप मेरे को पकड़े तो आप अपने भाव से पकड़ेंगे, मैं अपने भाव से। गोपियां कहें लाला तू मेरे को पकड़ ले। लाला अपनी छोटी छोटी बाहों से उनको पकड़े। तू कितनी सुंदर है गोपी, आ हा हा हा। इतना अगर लाला कह दे तो का कहना, मैं ही तेरा स्वामी और तू ही मेरी गोपी। रास में आना वहीं से उन्होंने उनको दे दिया। एक सखी दही दूध बेचने निकले, कृष्ण प्रेम में सुदबुद खोए थे और कहने लगे माधो ले लो, दही ले लो, किसी कहे माधो ले लो, कृष्ण ले लो। फिर ध्यान आए, अरे मैं क्या कह रही हूं, माखन लो की जगह कह रही हूं। उसके बाद दान लीला भी आती है, थोड़ी थोड़ी ले कुछ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारे नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारे नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारे नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारे नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो ले लो, कृष्ण ले लो। ठाकुर ने देखा, अरे ये तो मेरे को बेचने चली है, मेरे को बेचने जा रही है। सामने आए और बोले तू माधव को बेचने चली है, कहाँ ला, जरा मटकी दिखा वहां में कहा है। रास्ते में प्रकट होकर के तो बोले ला दिखाए, तो बोले अरे मैं माखन कंस को बेचने जा रही हूँ, तू कहाँ थे बीच में आएगा। अरे सखी अभी तूने कहा माधव ले लो कृष्ण ले लो, दिखाए तो सही तरह माधव कृष्ण कहते है। जाकर देखे बोले दान दे जा, दे दे दान मोहे। आज दान देने के लिए उन्होंने कहा और प्रेम का बाहुल्य होने पर सताने में बहुत मजा आता। ये लाइन सुनिए, लोग आजकल क्या कहते हैं, किसी को रूठना राठना मनाना मनाना, पूरी लीला में मेरे को अच्छा इसलिए लगता है कि हमारे ब्रज की लीला में एक प्रेम का अलग तस्वीर है। यहाँ शहरों में प्रेम की अलग तस्वीर है, वहां पे प्रेम की तस्वीर है कि एक दूसरे से रूठा राठी और मान मनावन, क्या शब्द कहे मैंने, और कोई को ते रूसे और कोई कोई को मनाए, मान लीला कर ले राधा रानी। और प्रेम की बाहुल्यता हो वहां ये होता है कि मुझे, मैं रूस गई, मुझे विश्वास है कि वो आके मेरे को मनाएगी। यहाँ पर तो अगर कोई रूस जाए तो कहे जा यार 4-4 बार चले गए, अच्छा हुआ पिंडा छूटा, अपने आप आ जाएगी, क्योंकि प्रेम की बाहुल्यता नहीं है, सब अपने अपने में बिजी हैं। पहले के जमाने में कृष्ण के सामने इतनी रूठा राठी हुआ करती थी।
एक बार एक सखी ने कहा, सबके पास कृष्ण जाके भाव में भरते हैं, मेरे को छोड़ दिया, सास जाने नहीं दी। उसने ध्यान लगाया, मकराकृत कुंडल है, कटी में पीतांबर है, सिर पे मुकुट है, नैनों में कजरा है, छुमक छुमक करता गोपी के पीछे चल रहा है। बाल कन्हैया ने बाल कृष्ण लाल बोले, अरे सखी तैने कैसे सोच ली, तेरी सास नहीं आंदी तो तू जो ही चलेगी तो ही पीछे से आकर उनको भर दियो। देखिए ये गोपी और कृष्ण की लीला अति सुंदर लीला है, अति मन भावन लीला है, इसको आगे बढ़ाएं। गोपी कहती है, कन्हैया कहे गोपियाँ तू का करतो है, तो यहाँ ते कन्हैया ने सबसे पहलो काम क्या कियो, मटकी फोड़नो। मटकी फोड़ दे कन्हैया, मटकी फोड़ना उसको बड़ा प्यारा लगता है। बोले कन्हैया तू क्या करता है, बोले हाथ में चलाए के कहे मटकी तू माखन की चोरी छोड़, लेकिन माखन की चोरी कब करता है, जब मटकी फोड़ता है। सब कहते हैं माखन की चोरी, लेकिन नहीं, पहले वो मटकी। अब मटकी का अर्थ समझ लो, मटकी का अर्थ है हमारा घट, संस्कृत में कहा जाता है घट, तो हमारा इसको क्या कहा जाता है, घट। इस घट को तोड़ने के लिए जिस मन में ये घट, ये मन जिस घट में फंसा हुआ है, उस घट को तोड़ने के लिए, वो दिखाने के लिए ये मटकी फोड़ता है। जो ही जिसकी मटकी पर ये कंकरी मार देता है, वहीं पर वो दूध गिर जाता है और उसके बाद वो उस रस में, कृष्ण रस में नहाने लगती है और उसका मन वो चुरा लेता है। एक दफे नई नई बहू आई, सास ने कही, अरे सुन रही है तू नई नई आई है, तो को पतो ना है यहाँ पे एक नंद को लाल रहे जो चोरी करे माखन की, तू वहाँ पे नमत जाइयो, पनगट पे जाइयो, सीधो सीधो जाके वहां से सूदी सूदी आ जाइयो। बोले सूदी आ जाऊंगी कौन, बोले घूंघट मत हटाइयो, जो ही कोई कहे नंद को लाल आयो हरियो मन, वो नंद के लाल आवे वहीं पर सीधा घूंघट लगाए के पानी पी के, पानी भर के सीधी ले आइयो। तो दो जनी के बीच में चल रही है कि कहीं मेरे को वो मेरा घड़ा घट ना फोड़ दे। तो वो जो ही जाने लगी, कन्हैया को तो पतो लगी जाए, कन्हैया कहे नहीं नहीं दिखे, अरे यारो आओ नहीं नहीं दिखे, लियो एक कंकरी। अब देखे वो तो दो के बीच में चल रही है, तो जी बोले ले क्या कहाँ बात है, वो सखियों ते पूछे कहाँ बात है, ऐसे कौन है भाई, मोकू पतो ना है यहाँ पे ऐसो कुछ हो है। बोले 440 वोल्ट लगे हुए है, वहाँ करंट लग जाए। तो बोले करंट लग जाए कैसे करंट लगेगा, अरे जो वाने तेरी नैनों में नैन घाल के देख लिए करंट होएगा, गई काम से। उसने कहा ठीक है, वो आगे को बढ़ने लगी। उसने कहा ठीक बात है, मैं दो के बीच में ही चलूंगी। अब कन्हैया कहे करना तो याई को घट फोड़नो है, अब करें का, आगे चलने लगी। तो आगे की सखी को कहे, अरे गोपी देख देख तेरे पीछे बांदर आ रहे, वो जो ही घूमे तट देने से अपना घड़ा फोड़ दिया, और उसने तट देने से घड़ा फोड़ दिया, और उसने जो घूंघट उठाए के देखो कि नैना दो के दो मिलके चार रह गए और वहीं पे करंट लग गया। बोले कृष्ण की जय। एक एक लीला पे कितने पद हैं सूर सागर में, अगर मैं उतने पद से ही पूरी लीला सुना दूं तो बहुत हो जाए। अब इसके बाद सब गोपियां बोले माखन की चोरी करें। कन्हैया ने कहा ऐसे घट फोड़ना माखन खाना नहीं, अपन तो चोरी की एक संस्था बना ले। माखन चोरी की लीला अब शुरू हो रही, और बार बार जब गोपी आके उलाहनो देवे कि मैया ये झूठो कहे, ये मोको झूठो कहे, तो उलाहने देने के पहले भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने सब सखान को बुला लियो और बोले देखो अपने एक मंडली बना ले, देखो भैया कोई पकड़ो जाए तो कोई कोई की पोल खोल दे, कोई पकड़ो जाए तो कोई कोई की पोल खोल दे। तो बोले अपन एक, अरे हर एक आदमी एक वर्ड रखता है, जैसे मेरे को कहा की वर्ड राधे राधे, मतलब तुम समझ जाना। तो कन्हैया ने अपनी मंडली का नाम चौर्य मंडली, माखन चौर्य मंडली का नाम रख दिया चौर्य मंडली, और बोले देखो कहीं पर अगर जाना हो और माखन फोड़नो, माखन के लिए गगरी फोड़नी हो और चोरी करनी हो, तो पहलो शब्द जो अंदर घुसे कफल्लम कफल्लम कफल्लम, क्या मंत्र रखा कफल्लम। अब कफल्लम कफल्लम तो मंत्र रख लिया,
तो बोले देखो भैया जितनी देर चोरी करते रहो उतनी देर कफल्लम बोलते रहना, जो चोरी छोड़ी तो पकड़ी जाएगी। तो कफल्लम कफल्लम का अर्थ रखकर मधुकल मधुमंगल के कन्हैया हम तो बड़े गरीब हैं, हम कहाँ से करेंगे, हम तो इतनी नींद ला सकें। अरे तुमको कौन कह रहा है रोज रोज लाने के लिए, अरे जाके पास पड़े वहाँ रोज रोज जाएंगे माखन लेके आएंगे, तू क्यों चिंता करे। मधुमंगल ने कहा कुछ लेके जाएंगे। बोले ये हमारा माखन लेके मथुरा चले जाए तो मथुरा नहीं लेके जाने देंगे, माता तुझे पीटेगी अगर तू करेगा। कन्हैया देख तो माता पीटेगी। अरे पिटने पिटने उनके पास जाएगी तब पिटेंगे, पहले ही अपन निकस जाएंगे। अगर तू रोज रोज हमको माखन देगो हमारी मैया पीटेगी। अरे तू चिंता काय को करे, कफल्लम कफल्लम बोलते रहियो। ऐसे तो देखिए ईश्वर सब जगह के स्वामी है, वो चोरी नहीं किए। ये चोरी की ये माखन चोरी की एक लीला है। माखन के मिस वो मन को चुराने गए हैं, माखन के मिस वो मन को चुराने गए हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि पूरी लीला एक ही चीज कृष्ण ने बाल लीला में मांगी है, वो मांगा है रास लीला तक, यहां से लेके रास लीला तक एक ही वस्तु मांगी है, मन। अभी इतने जोन बैठे मैं देख रही हूं बहुतों के मन इधर उधर जा रहे हैं, टोटल मन इधर नहीं लगा है, फिर भी मैं बार बार कफल्लम कफल्लम बोल रही हूं कि शायद आप लोगों का मन इधर लग जाए। जहां जहां बोले मुश्किल हो जाए, ये गोपियों को पतो ना लगे। अब गोपियों को पतो लग गए हो कि माखन की चोरी ये लाला कर रहे हैं और हमारे सब बच्चान को भी ले लियो। अब बोले ऐसो करें कहां को जाए, तो कृष्ण ने कही एक दिना कहीं चोरी करने के लिए। तो आज मंडल की स्थापना हो गई। अब आ मंडल को नाम चौर्य मंडल रखोगा। अब वो गोपी ने कही कि हम सगरे जने बड़े चौकन्ने वह के रहेंगे। तो बोले कैसे, बोले श्री कृष्ण जहाँ आएगा वहां तो प्रकाश हो ही जाएगा, जहाँ श्री कृष्ण आएगा प्रकाश हो जाएगा, पकड़ लेंगे, अंधेरे में आएगा कैसे। जो छीके पे चढ़ा दे तो चुरा दे, दरवाजे के पीछे रखे तो चुरा ले, करे क्या अरी सखी अरी वीर, मैं तो तंग आ गई, मेरे खुद को लाला वाके संग लग रहे हो, मैं करूं तो क्या करूं, जहां जहां जाए वहां प्रकाश हो जाए। गोपियों ने शिकायत करी और यशोदा के उत्तर में गोपियों ने जाकर के कहा कि जो जो जाए जहां जहां शिकायत करी। ओ मैया तेरो नंद किशोर हो किशोर, माखन के चोरी पीट ले, मैया तेरो नंद किशोर हो किशोर, माखन के चोरी पीट ले, मैया तेरो नंद किशोर हो किशोर, माखन की चोरी पीख ले, मैया तेरो नंद किशोर हो किशोर, माखन की चोरी पीख, हो माखन की चोरी पीख ले, 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 मैया तेरो नंद किशोर हो किशोर, माखन की चोरी पीख ले, मैया तेरो नंद किशोर हो किशोर, माखन की चोरी पीख ले। चुपके ते घर में घुस आवे, 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 ढूंढे ते नजर नहीं आवे, ढूंढे ते नजर नहीं आवे, ये तो है गयो, ये तो है गयो, ये तो है गयो पक्को चोर हो चोर, माखन की चोरी पीख ले, मैया तेरा नंद किशोर हो किशोर, माखन की चोरी पीख ले।
मिश्री को खा करके माखन मिश्री को खा कर कान्हा अपनो काम बना करके कान्हा अपनो काम बना कर ओ माखन मिश्री को खा करके माखन मिश्री को खा करके कान्हा अपनो काम बना करके कान्हा अपनो काम बना करके मेरी दैया मेरी दैया मेरी दैया मटुकिया फोड़ हो फोड़ माखन की चोरी पीन ले मैया तेरा नंद किशोर हो किशोर माखन की चोरी पीन ले यशोदारी तम जाए मात यशोदारी हो तेरा ऊधम करे कन्हैयारी तेरा ऊधम करे कन्हैयारी नित अटके नित अटके नित अटके हो ही भोर हो भोर माखन की चोरी पीन ले मैया तेरो नंद किशोर हो किशोर माखन की चोरी पीन ले हो माखन की चोरी पीन ले माखन की चोरी पीन ले मैया तेरो मैया तेरो मैया तेरो नंद किशोर हो किशोर माखन की चोरी पीन ले मैया तेरो नंद किशोर हो किशोर माखन की चोरी पीन ले मैया तेरो नंद किशोर हो किशोर माखन की चोरी पीन ले बोल बोल के तो ऐसा लगे जो उलाहना जेने भी जाती थी ना गोपियां वाकई में मन में ऐसा था कि या कारण से कम वापस नंदालय तो पहुंच जाएंगे कोऊ को ऐसो लगे कि चाहे शिकायत से चाहे दर्शन कर बेते चाहे कहूं लीला आते कन्हैया के पास जाने की सगरे की इच्छा करे कन्हैया के पास उलाहना देने के लिए सखियां आई अरे हो तुम मेरे लाला की उलाना देने के लिए मेरे घर में कोई माखन की कमी ना है जो तुम्हारे यहाँ जाए के माखन खाएगा मुँह को नहीं अच्छा लगा तुमने मेरे लाला को ऐसी बात करी तुम उधर नाटो क्यों नहीं माता मैया मैं तो को कहा बताऊँ खाली माखन की चोरी ना करे बोले कहा करें बोले गाय गाय हो दूते के पहले ही कन्हैया बछड़ों को खोल दे वत्सान मंचन कथित समय क्लोश संजात हास स्तेयम् लास स्वाद्वस्तस्य दधिपद कल्पित स्तेय योगी मर्कान् भोक्षन् विभजित सच्चे नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालावेश गृह कुपितो यात् पुष्क्रोशतो कान् असमय ही बछड़ा को खोल दे अरे हम गाय का दूध निकाले वाके पहले बछड़ा पी जाए क्वचित असमय वत्सान जीवन मंचन बछड़े का अर्थ है विषयासक्त जीव विषयासक्त जीव विषयों के जब समय आए उसके पहले ही अपना सारा का सारा जैसे बछड़े को खोला जैसे जीव जितना अपना भाव जितना अपना मोह जितनी अपनी ममता जितना अपना प्रेम वो समय आए ठाकुर को दे उसके पहले असमय ही संसार के लिए खोल दे समय पाकर के जो कृपा मार्ग पुष्टि मार्ग लेने को मंडाए तो नहीं हुई इस प्रकार से जब आगे को जाने लगी तो गोपी ने कहा माँ आप थोड़ी डांट के रखो थोड़ा सा संभाल के रखो मेरे को तो समझ नहीं आवे मोकू तो समझ नहीं आवे कि का करेगा आगे जाए के अब ही तो इतनी चोरी कर रहे हो का करेगा मैया ने कही अरे ओ मेरे लाला तुम्हारे यहाँ कछु करे है तो तुम डांट नहीं सको कि तू तो छोटो लाला है वहां को डांटने के लिए मेरे पास आई हो माँ मैया हम का करें अरे हम वहां को डांटे वाके पहले वो हमें डांटने लग जाए कल समय मैया वो मेरे घर आयो
जब मैं उसे पकड़ने के लिए ताई पकड़ी कि आज तो को बताया दूंगी, तो को लगे तेरों लाला सीधो है, देख ले कैसे सूदो है। अब मैंने हाथ पकड़ के जो उसके पीछे पीछे